हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीनेटोकल चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार गर्ल सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 की स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत पैट डुगन से होती है, जो कि स्टारमैन के मना करने के बावजूद भी उस जगह पहुंच जाता है जहां पे जेएसए और आईएसए में जंग चल रही होती है, जहां पर जेएसए के सभी मेंबर एक एक करके मरने लगते हैं और स्टारमैन ब्रेन वेव को मजा चखाने के बावजूद भी आइसिकल उसे अपने द्वारा बनाए गए खंजर से लगभग मार डालता है। और जब पैट स्टारमैन को लेकर भागने लगता है तो आइसिकल के कहने पर ग्रंडी उसके को डैमेज कर देता है और कुछ दूर हवाई सफर करने के बाद कार क्रैश होकर ब्लास्ट हो जाती है। और मरते वक्त स्टारमैन अपनी कॉस्मिक टॉर्च को देकर उसे एक ऐसे पर्सन को देने को कहता है जो इस कॉस्मिक टॉर्च को पूरी सम्मान और ताकत से कैरी कर सके। और फिर कहानी एक छोटी सी लड़की कोटनी पे शिफ्ट होती है, जो अपने पिता का गिफ्ट पकड़े हुए क्रिसमस पे वेट कर रही होती है और उसके पिता के ना आने की वजह से उसकी मॉम उसे उसके दोस्त के घर में छोड़कर अपने जॉब पे चली जाती है। और अब कहानी बहुत सालों बाद प्रेजेंट डे में शिफ्ट करती है, जहाँ हमें पता चलता है कि कोटनी की मॉम और पैट के बीच शादी हो चुकी है और कोटनी की मॉम की नेब्रास्का में ब्लू वैली में जॉब लग चुकी है, जिसकी वजह से वो लोग अपना सारा सामान और सबसे अलविदा कह के वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। और शिफ्ट हो जाने के बाद पैट अपने बेसमेंट में जाकर जेएसए के मेंबर्स की फाइल और उनकी पिक्चर देखकर उन्हें याद करता है। और पैट कोटनी को स्कूल छोड़ने के बाद अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात क्रशर यानी कि लैरी से होती, जो कि पैट को मोटिवेट करके अपने जिम के प्रोग्राम में शामिल होने को कहता है। और इधर कोटनी की मॉम द अमेरिकन ड्रीम में अपने ऑफिस को ज्वाइन करती है। और जब कोटनी लंच टाइम में लंच कर रही होती है, तभी एक लड़का आकर एक लड़की को परेशान करता है। और जब वो कोटनी का फोन लेकर अपना नंबर देने वाला होता है, तभी कोटनी उसे धक्का देकर मेस के स्टार के ऊपर गिरा देती है, जिसकी वजह से अपने स्कूल का पहला दिन डिटेंशन में बिताना पड़ता है और इसी वजह से उसकी स्कूल बस भी छूट जाती है और ना चाहते हुए भी उसको अपने घर पे पैदल ही जाना पड़ता है, जहाँ हमें जाने पे पता चलता है कि उसके भाई का पहला दिन बहुत ही अच्छा गुजरा है। और जब पैट उससे बातचीत करने की कोशिश करता है तो कोटनी उससे कहती है कि आप मेरे डांट बनने की कोशिश ना करें। और अकेले रहने के चक्कर में कोटनी उसी बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पे पैट पहले जा चुका था। और बॉक्स पे गुस्सा उतारने के बाद उसे एक तस्वीर के फ्रेम से जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की छुपी हुई तस्वीर मिलती है। और फिर धीरे धीरे करके सारी छानबीन करने के बाद उसे पैट के छुपे हुए कुछ राज मालूम चल जाते हैं। और इसी बीच कैरेट में रखा कॉस्मिक टॉर्च ग्लो करने लगता है। और जब वो कैरेट के पास जाकर उसे खोलकर कॉस्मिक टॉर्च को हाथ में लेकर उठाती है तो वो फिर से ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से वो डर कर फिर से उसे वहीं पे छोड़ देती है। और जब वो फिर से कॉस्मिक स्टॉप को उठाकर हवा में छोड़ देती है तो वो हवा में रुक जाता है। और जब वो कॉस्मिक टॉर्च को पूरी तरह से जान लगा के अपनी तरफ खींचती है तो थोड़ी देर खींचने के बाद कॉस्मिक टॉर्च उसके हाथ में आता है और कॉस्मिक टॉर्च से खेलने के बाद कॉस्मिक टॉर्च उसे बाहर लेकर चला जाता है। और फिर कोटनी बाहर जाने के बाद उस टॉर्च को हवा में फेंक देती है, जिसकी वजह से वो हवा में लटक जाता है। और फिर कोटनी अपनी जिम्नास्टिक की खूबियों को दिखाते हुए उस पे प्रैक्टिस करने लगती है। और फिर थोड़ी देर खेलने कूदने के बाद कॉस्मिक टॉर्च उसे लेकर उड़ जाता है। और इधर जब पैट अपने बेसमेंट में आता है तो उसकी सारी चीजें बिक्री होती है और साथ ही साथ कॉस्मिक टॉर्च भी गायब होती है। और इधर कोटनी को जंगलों की सैर कराने के बाद वो उसे एक जगह पे गिरा देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर मूवी का मजा ले रहे होते हैं और वहीं पे हेनरी और उसके दोस्त लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। और इसे देखने के बाद कोटनी अपने चेहरे पे रुमाल बांधकर उनकी गाड़ी की हवा निकालने लगती है, तभी हेनरी के दोस्त उसे देख लेते हैं। और जैसे ही वो सभी लोगों को बताता है, कोटनी के ना चाहते हुए भी कॉस्मिक टॉर्च उस पे हमला कर देता है। और जब हेनरी और उसके दोस्त उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कॉस्मिक टॉर्च की वजह से उसका दोस्त घायल हो जाता है। और जब उसके दोस्त फिर से उसके ऊपर हमला करने लगते हैं तो वो उसे मारने के चक्कर में उसकी कार ब्लास्ट कर देती है, जिसके बाद कोटनी कॉस्मिक टॉर्च को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और हेनरी सबसे यही कहता है कि उसके डैड उसे अब मार डालेंगे। और जब कोटनी चुपके से उस कॉस्मिक टॉर्च को रखने के लिए आती है तो पैट उसी बेसमेंट में मौजूद होता है। और जब पैट्रिक उसे धमकाने की कोशिश करता है तो कोटनी उसे उल्टे बातों में फंसाकर उसे ही हड़काने लगती है। और पैट्रिक उसे यही कहता है कि ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है, इसे मुझे दे दो, जिस पर कोटनी उसे यही कहती है कि मैंने अभी अभी एक कार को उड़ा दिया है। और उसे ये भी कहती है कि ये काम मैंने नहीं, कॉस्मिक स्टाफ ने किया है। और जैसे ही कॉस्मिक स्टाफ पैट के हाथों में जाती है, वो ग्लो करना बंद कर देती है और वो उसे कहता है कि इसकी असली जगह तुम्हारे हाथों में नहीं, उस लकड़ी के कैरेट में है। और वो ये भी कहता है कि इस कॉस्मिक स्टाफ को अभी तक मैंने स्टारमैन के सिवा किसी और के हाथों में ग्लो करते हुए नहीं देखा है। और वो उसे ये भी बताता है कि जेसे और स्टारमैन की पूरी टीम इस दुनिया को बचाने के चक्कर में मारी जा चुकी है। और कोटनी अपने लॉकेट में छुपी हुई अपने फादर की तस्वीर और स्टारमैन की तस्वीर को मिलाकर उससे यही पूछती है कि ये कॉस्मिक स्टाफ
इसलिए मेरे पे वर्क कर रहा हो कि शायद स्टारमैन मेरे पिता हैं। जिस पर पैट उसकी बात को सुनकर चौंक जाता है, जिस पर कोर्टनी उसे यही बताती है कि स्टारमैन की जिस रात मौत हुई उस रात के बाद से मेरे पिता कभी घर नहीं लौटे हैं। और इसी चीज को लेकर पैट और कोर्टनी में बहस होने लगती है और पैट उसे यही समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और इसके सिवा कुछ भी नहीं। और जब इसी बात को वो अपनी मॉम से पूछने जाती है तो उसकी मॉम इमोशनल हो जाती है और वो उससे यही कहती है कि हमारे लिए कोई भी एक आदमी खड़ा रहा है तो वो सिर्फ पैट है। और उससे ये भी कहती है कि अगर वो तुम्हारे डैड जैसा तुम कह रहे हो कि वो इतने ग्रेट हैं तो उन्हें इस वक्त पैट की जगह पे होना चाहिए। और इधर हम हेनरी को उस लड़ाई के बारे में अपने डैड को बताते हुए देखते हैं और हेनरी को भेजने के बाद हमें पता चलता है कि हेनरी के पिता ब्रेन वेव है। और फिर ब्रेन वेव अपनी चाबी के मदद से सीक्रेट डोर को खोलकर अपने सूट को निकालता है। और इधर कोर्टनी और पैट की बातचीत से हमें पता चलता है कि पैट एक समय स्टारमैन का साइडकिक था। और उसकी बात सुनने के बाद कोर्टनी उसे यही कहती है कि तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम उसके असिस्टेंट थे। और इधर हेनरी सीनियर यानी कि ब्रेन वेव आइसिकल को फोन करके स्टार गर्ल के बारे में बताता है, जिस पर आइसिकल उससे यही कहता है कि मेरे आने से पहले तुम उसे ढूंढ कर उस पे हमला करने की कोशिश मत करना। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रेन वेव अपने सूट को पहनकर कहीं पे चला जाता है। और इधर हम कॉस्मिक स्टाफ को चुपके से कोर्टनी के रूम में जाते हुए और उसे डराते हुए भी देखते हैं। और कोर्टनी अपने माम को गुड नाइट कहने के बाद कॉस्मिक स्टाफ उसे लेकर छत पे चला जाता है, जहाँ कॉस्मिक स्टाफ उसे इशारा करते हुए उसे प्रैक्टिस करने को कहता है। और फिर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद कॉस्मिक स्टाफ उसे लेकर फिर से उड़ जाता है और हमें ये सीन हैरी पॉटर की याद दिलाता है। और जब कोर्टनी स्टाफ पे बैठकर उड़ने का मजा ले रही होती है तभी ब्रेन वेव उस पे हमला कर देता है, जिसके बाद वो स्टाफ को लेकर नीचे गिर जाती है। और फिर ब्रेन वेव उसे घसीटते और फेंकते हुए उसे मारने लगता है, जिसकी वजह से कोर्टनी डर कर फैक्ट्री के अंदर हेल्प मांगने चली जाती है। और फिर ब्रेन वेव उसे हवा में लटकाते हुए उसका परिचय पूछता है और उसके साथ दिमाग से खेलते हुए और टॉर्चर करते हुए उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। और जब ब्रेन वेव उसका दिमाग पढ़ते हुए उसके पिता के बारे में पूछता है तो कोर्टनी स्टाफ का यूज करते हुए उस पे वार कर देती है, जिसके बाद ब्रेन वेव अपने पास में पड़े टायरों को उठाकर उसके तरफ फेंकने लगता है। और कोर्टनी उससे बचते हुए उस पे हमला करके उसे उड़ा देती है, लेकिन ब्रेन वेव उससे बचते हुए वहाँ से भाग जाता है। और कोर्टनी स्टाफ को लेकर वहाँ से भागने लगती है और तभी उसके सामने एक जायंट रोबोट आकर लैंड करता है। और हमें पता चलता है कि उस जायंट रोबोट के अंदर पैट बैठा हुआ है और पैट उससे कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें स्टाफ को नहीं छूना है। और इस एपिसोड की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।